अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। गैरी क्रिस्टन का नेक्स्ट मिशन है पाकिस्तान के ऑलराउंडर। ओपनर्स क्लियर हो गए, मिडल ऑर्डर की बात हो गई और उन्होंने कंसीडर कर लिया है कि मेरा फोकस इन प्लेयर्स के ऊपर रहने वाला है। सबसे पहली बात सर, 15 रुकनी स्क्वाड बनना है, कोई 30 रुकनी नहीं बनना है। ऑलराउंडर भी उनकी नजर में जो है वो 6 से 7 बंदे हैं और आगा सलमान और इफ्तिखार की जो टाई है ना, उसमें आगा फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और आगा एक ऑलराउंडर ही कंसीडर किया जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए और मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज भी है। ये आपके जहन में बात होनी चाहिए। और स्पेशली यहां पे जो मैं आपके साथ जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं उन्होंने खेलने ही खेलने, ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हिस्सा रहेंगे। और गैरी क्रिस्टन भी इनको पॉइंट आउट करके बैठी हुई है, इनके ऊपर वो बिल्कुल तवज्जो दे रहे हैं कि क्या रिजल्ट फराहम करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये दौर ऑस्ट्रेलिया से पहले पाकिस्तान के डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट भी करेंगे। जी हाँ, आप ये मत सोचें कि इंग्लैंड की सीरीज होगी और बांग्लादेश की सीरीज होगी तो जो पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे। वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक खेलेंगे ना, उनको जहां पता चलेगा उनको चेक किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक मंथ के अंदर तो टीम तैयार नहीं ना होती है। बड़े जनाब, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के जो की ऑलराउंडर्स हैं, चाहे आपने जो मर्जी कर लें, शादाब खान ऑलराउंडर कंसीडर किया जाएगा और खेलेगा। जी हां, कंसीडर ऑलराउंडर ही किया जाएगा और खेलेगा। नवाज और इमाद वसीम दोनों के दरमियान टाई है, दोनों में से एक खेलेगा। फिलहाल इमाद दी 100 टूर्नामेंट और जो मोहम्मद नवाज है वो कनाडा की चैंपियन टीम का पार्ट थे, जो टीम चैंपियन बनी है कनाडा लीग की। यानी कि दोनों व्हाइट बॉल के अंदर अपनी खिदमात फ्रेंचाइज टीमों के लिए दे रहे हैं, वो कोई मतलब समझिए कि बस उन्हें रेस्ट नहीं किए हुए, वो भी खेल रहे हैं। लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में 10 ओवर करने हैं, ये T20 फॉर्मेट नहीं, ओडीआई फॉर्मेट। नवाज और इमाद, शायद नवाज का जो पलड़ा है वो ओडीआई में थोड़ा सा इमाद से भारी हो सकता है, हालांकि इमाद के बड़े तगड़े स्टैट्स हैं विद द बैट, नो डाउट अबाउट। चाहे आप 19 के वर्ल्ड कप का मैच उठा के देख लें अगेंस्ट अफगानिस्तान, यानी कि इमाद ओडीआई के अंदर विद बैट जब बहुत तगड़ा साबित हुए, इस बात में कोई दो राय नहीं। आमिर जमान अगर बंदा तैयार हो गया, मैं समझता हूं पाकिस्तान की मौजें लग जाएंगी। अगर जे बंदा वाइड बॉल में सेट हो गया, आमिर जमाल, हार्दिक पांड्या, बेन स्टोक्स जैसा ऑलराउंडर बन सकते हैं, नो डाउट। वहां देखें जो नदरलैंड, उनके पास बास डिलाइड हो गए, मतलब कितने बेहतरीन उनके पास ऑलराउंडर्स हैं इस तरह के। तो जनाब यहां पर स्पेशली जो मैंने मेंशन किया आमिर जमाल को, की प्लेयर पाकिस्तान के लिए साबित हो सकते हैं, नो डाउट। शादाब, नवाज इमाद, इसके अलावा आमिर जमाल, सलमान अली आगा और इफ्तिखार में से टाई मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया कि उनकी टाई हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हॉट फेवरेट रहेंगे सलमान अली आगा, नो डाउट। वो बेहतरीन प्लेयर, उसने अपने आपको साबित करके दिखाया हुआ है। और इसके अलावा ओसामा मीर भी ऑलराउंडर के अंदर ही कंसिडर किए जाते हैं। जी हाँ, ओसामा मीर भी ऑलराउंडर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन लेट्स सी उनका क्या बनता है। इसके अलावा जनाब, अगर आप फहीम अशरफ के बारे में सोच रहे हैं या आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, शायद उनकी जगह अब इतनी जल्दी या आसान नहीं है उनकी जगह बनेगी। ये जनाब गैरी क्रिस्टन के पास प्लान्स हैं, एम्बिशंस हैं, लेट्स सी इनके ऊपर काम किस तरीके से करते हैं। लेकिन भाई एंड ऑफ द डे खेलना इन्होंने ही है। अपडेट से चलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।